नमस्कार, मैं प्रदीप गुप्ता, आप देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। आइए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बड़ी खबर श्रावस्ती जनपद से आ रही है। श्रावस्ती में एक बुजुर्ग के अंदर कोरोना का वायरस मिला है। इसी के साथ जनपद में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। मामले का खुलासा तब हुआ जब लखनऊ फैजाबाद रोड स्थित चंदन अस्पताल में 2 किडनी मरीजों का इलाज चल रहा था। वहीं एक प्राइवेट लैब से दोनों मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। अस्पताल में भर्ती दोनों में से एक मरीज श्रावस्ती जनपद के लक्ष्मणपुर बाजार का निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग बताया जा रहा है। रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही CMO लखनऊ ने चंदन अस्पताल में छापा मारा। अस्पताल के सभी डॉक्टर्स कर्मचारियों को आइसोलेट किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अस्पताल प्रबंधन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उधर इसकी सूचना जब जनपद श्रावस्ती को भेजी गई तो पुलिस व स्वास्थ्य महकमा तुरंत हरकत में आ गया, जिसके बाद लक्ष्मणपुर बाजार को हॉट स्पॉट बनाकर इलाके को सील कर दिया गया है। आम लोगों के आवाजाही पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही साथ संक्रमित मरीज के पूरे परिवार को क्वारंटीन कर उनका सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेज दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लक्ष्मणपुर निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग किडनी के रोग से पीड़ित था। डायलिसिस के लिए अस्पताल जाता रहता था। वहीं पिछली बार डायलिसिस कराकर 18 अप्रैल को घर वापस आया था, जिसके बाद सगे संबंधियों का मिलना जुलना लगा रहा। ऐसे में प्रशासन सभी को तलाश कर रहा है, सबकी हिस्ट्री देखी जा रही है। प्रशासन के आगे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, कहीं ऐसा ना हो संपर्क में वालों की संख्या ज़्यादा निकले। चंदन हॉस्पिटल पर कोरोना मरीजों का इलाज और लापरवाही का आरोप लगा है। चंदन हॉस्पिटल में भर्ती 2 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 3 दिन पहले भर्ती हुए मरीजों का डॉक्टर स्टाफ इलाज करता रहा, वहीं निजी लैब से रिपोर्ट आने पर स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। संक्रमित मरीजों को PGI शिफ्ट कराया गया, वहीं स्टाफ को क्वारंटाइन कर अस्पताल में मरीजों को भर्ती बंद करा दी गई। फैजाबाद रोड स्थित चंदन हॉस्पिटल में बुधवार को 2 किडनी रोगी भर्ती कराए गए। सुबह 8:10 पर श्रावस्ती निवासी 70 वर्षीय मरीज को भर्ती किया गया। वहीं दोपहर 12:56 पर गोमती नगर निवासी रिटायर्ड 63 वर्षीय पुलिसकर्मी को भर्ती कराया गया। दोनों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। अस्पताल प्रबंधन ने गुड़गांव की एक निजी लैब से दोनों की जांच कराई, जिनमें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। हेल्थ टीम पहुंची मरीज शिफ्ट सूचना पर। ACMO डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव चंदन अस्पताल पहुंचे। उन्होंने कहा कि संक्रमित मरीज से बयान लेना मुमकिन नहीं था। ऐसे में अस्पताल प्रबंधन से मरीजों की भर्ती, जांच व इलाज का ब्यौरा जुटाया। शुक्रवार को शाम 5:30 दोनों मरीजों को PGI कोविड अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। वहीं रिपोर्ट CMO को सौंप दी गई। OPD इमरजेंसी सब बंद कर दिया गया। CMO कार्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर योगेश चंद्र रघुवंशी के मुताबिक अस्पताल में मरीजों की भर्ती बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। अगले आदेशों तक OPD इमरजेंसी बंद रहेगी। आइसोलेशन में रखे गए मरीज चंदन हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर फारूक अंसारी के मुताबिक अस्पताल में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सभी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। संदिग्ध मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। इसी में दोनों मरीजों को भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टर स्टाफ PPE किट पहनकर जाते हैं। फिलहाल नए आदेशों तक अस्पताल की OPD इमरजेंसी सेवा बंद रहेगी।